हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ देखकर आप पहचान सकते हैं कि किस टाइप का मोशन है, किस टाइप के वेरिएशन है, कब स्पीड कम हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, ये सब चीज़ें आप ग्राफिकली देखकर भी पहचान सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, दैट हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 9th, वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ ग्राफ। दो तरह के ग्राफ आपके सिलेबस में है जो NCERT में गिवन है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हुए चलते हैं। मैंने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक। वन पार्ट फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शॉर्ट में आप DT ग्राफ भी बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसको आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं DT ग्राफ, DT ग्राफ। दूसरे टाइप का बच्चे जो हमारे पास ग्राफ होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो हम बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा जिसको हम VT ग्राफ भी बोल सकते हैं, ये हम बनाएंगे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, ठीक। अगर आप अपने ग्राफ पर ये जो दो एक्सिस होती हैं, एक होती है हमारी वाई एक्सिस और दूसरी होती है एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर मैं रखूं डिस्टेंस, ठीक, कोई अप्रोप्रिएट यूनिट लेकर मीटर्स में रख देते हैं जैसे, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पर आप प्लॉट करें टाइम, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं DT ग्राफ, टाइम इन सेकेंड्स। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस पर वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पर टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर VT ग्राफ। इतनी बात समझ में आई। अब इससे आगे चलते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के मोशन है या रेस्ट है उन सिचुएशंस में हमारा DT ग्राफ कैसा बनकर आएगा, VT ग्राफ कैसा बनकर आएगा, ये और सीख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रेस्ट वाली पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन हाउ इट्स DT ग्राफ विल लुक लाइक, उसका DT ग्राफ कैसा नजर आएगा, ठीक। चलिए ट्राई करते हैं कुछ वैल्यूज लेकर। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर होता है वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता। आप सब लोग जानते होंगे, है ना। पोजिशन चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पोजिशंस, अलग अलग डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टाइम चल रहा है 0, 1, 2, 3, और वो जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, जो 0 टाइम पर है, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, जो उसकी पोजीशन है वो ये है 2, 1 सेकंड बाद फिर अगेन 2, 2 सेकंड बाद फिर 2, 3 सेकंड बाद फिर 2। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है ना रेफरेंस पॉइंट से, तो वो वहाँ से हिल नहीं रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है। टाइम तो कोई नहीं रुका सकता, टाइम तो चलता रहेगा, बट ये डिस्टेंस ये भी नहीं चल रहा है, वहीं का वहीं ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमने टेबल बनाई है ये एक रेस्ट वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना बेहद आसान है, जैसे आप एक्स और वाई का ग्राफ बनाते हैं ना, सेम उसी मैनर में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। टाइम एक्सिस पर आप इक्वल स्लॉट ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। मार्किंग ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, ये आप निशान लगा सकते हैं, इसी से पता चल जाएगा ये फर्स्ट है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे चलता चला जाएगा। और जो डिस्टेंस है उसको ऐसे मार्क कर लीजिए आप, ये 1 है, सपोज दैट ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, ठीक। 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है, 2, आफ्टर 1 सेकंड अगेन 2, आफ्टर 2 सेकंड अगेन 2, देन 3, अगेन 2। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 पर ही है तो उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनकर तैयार होगा। कैसा ग्राफ है ये ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वो भी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो याद रखिएगा आप लोग, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है उसका हमें ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। सिर्फ यही लाइन नहीं, कोई भी ऐसी लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे वो इससे नीचे है, कहीं भी हो, ये सारी लाइन जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर जहाँ रेस्ट पर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4 पर है तो ये 4 पर ही है, ये 3 पर है तो ये 3 पर ही है, चाहे टाइम कितना भी चला गया, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इतनी बात, अब देखते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो
तो बच्चों उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा आप लोग खुद भी गैस कर सकते हैं अपने आप। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसके लिए हमारे पास पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है बट वेलोसिटी होती है उसकी बच्चों ज़ीरो। और अगर वो ज़ीरो पर ही रहेगा तो इसका मतलब अगर आप उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, कौन कहाँ पर होती है वेलोसिटी ज़ीरो? वेलोसिटी ज़ीरो होती है टाइम एक्सिस पर। ये मान लीजिए वाई है, ये एक्स है, तो आपने पढ़ा होगा पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है टाइम, तो पूरी टाइम एक्सिस पर वाई मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा उसका अगर आप ग्राफ बनाना भी चाहेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, बस आपको एक लाइन बनानी है टाइम एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप करती हुई, और यही हमारी रिप्रेजेंट करेगी। पॉइंट बनाना चाहो तो कुछ पॉइंट बना दो आप, बस यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं, दूसरा जो टाइप है हमारा वो है यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका हम डीटी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, लेट अस सी नाउ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसको रफ कर देते हैं और यूनिफॉर्म मोशन के लिए ट्राई करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन बच्चों वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसकी जो टेबल बनकर तैयार होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। इक्वल डिस्टेंसेस मतलब एक सेकंड में जितना चलेगा उतना ही नेक्स्ट सेकंड में। तो मान लेते कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है और एक सेकंड में दो मीटर चला गया, तो फिर नेक्स्ट वन सेकंड में फिर अगेन दो मीटर चल गया तो वो हो जाएगा फोर पर, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर दो मीटर चला गया तो वो हो जाएगा सिक्स पर। तो ऐसे वो हर एक सेकंड में दो दो मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसी मोशन को तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे ना, यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। इसका डीटी ग्राफ अगर बनाएं तो कैसा बनेगा, चलिए प्लॉट करके देखते हैं। आप पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, खुद ब खुद जो ग्राफ का डिज़ाइन बनकर आएगा वही ग्राफ होगा, है ना। वन सेकेंड पर टू मीटर्स, ज़ीरो पर ज़ीरो, और टू मीटर पर टू मिनट टू सेकेंड पर फोर, एंड थ्री सेकेंड पर सिक्स। कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बनकर तैयार होगा। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को चारों पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो आप याद रखिए कि वेन एवर वी ड्रॉ अ डी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कहीं भी आ सकती है, एक स्ट्रेट लाइन बनकर तैयार होगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। डी टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर यही लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी हो जाए तो वो रेस्ट वाली सिचुएशन रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कुछ ग्राफ और बना लेते हैं। इसी में एक बात और एक्स्ट्रा बता दूं मैं आपको। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई वेलोसिटी है इसकी वी ए, और ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है वी बी। इन दोनों ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर वी ए और वी बी में आप कंपेयर करें तो वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए। जो ग्राफ ऊपर आएगा, जो ज़्यादा वर्टिकल होगा, या ये कह लीजिए जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, है ना। आप जान देख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, बी का स्लोप ज़्यादा है, ए का कम है, इससे नीचे आ जाएगी और लाइन, उसका स्लोप और कम हो जाएगा। तो जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ए और बी में बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ए की कम होगी। देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप वी टी ग्राफ बनाते बच्चों तो वो कैसा बनता है। तो वी टी ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म मोशन, वी टी ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, है ना। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि टाइम चाहे कितना भी चलता रहे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना। यहाँ पर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक टेबल बना लीजिए, और थोड़ी बड़ी बना लेते हैं टेबल। वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक टेबल बना लीजिए, इस टेबल से आपको ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा ना। अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी, क्या है वो, ऊपर रख लीजिए टाइम, नीचे वेलोसिटी, तो ज़ीरो वन टू थ्री, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कॉन्स्टेंट है। अब भैया कॉन्स्टेंट क्या होती है, कॉन्स्टेंट का मतलब है वो वैल्यू जो फिक्स रहेगी। तो शुरुआत से आखिर तक मान लीजिए ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड पर, तो वो 4 ही है। एक सेकंड बाद भी 4 है, दो सेकंड बाद भी 4 है, तीन सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया, तो ये आ गया आपका 1 2 3 एंड 4।
ये हो गई वेलोसिटी, ठीक। एक फाइव और ले लेते हैं, ये फाइव, जीरो सेकेंड पर भी फोर, आफ्टर वन सेकेंड देन अगेन फोर, टू सेकेंड अगेन फोर, आफ्टर थ्री सेकेंड अगेन फोर। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फोर ही आ रही है तो सारे पॉइंट्स को मिलाने पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू की ग्राफ, वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिल जाएगा, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ना ग्राफ ऊपर जा रहा है ना ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक। जब हमारा ग्राफ बच्चों ऊपर की तरफ जाता है वी टी ग्राफ, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और जब हमारा ग्राफ नीचे आता है तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ना तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है, और फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखिएगा आप, इन वी टी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वो भी बनाकर देख लेते हैं, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप जानते हैं, एक ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसके मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बनाकर देखते हैं, उसके लिए भी टेबल चाहिए होगी। चलिए सबसे पहले टेबल ही बनाते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की टेबल किस तरह की बनेगी। ये कुछ वैल्यूज लिए मैंने अलग अलग टाइम पर, ठीक है, ऊपर ले लिया टाइम, नीचे ले लिए वेलोसिटी। तो ज़ीरो वन टू थ्री, ओ वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस, ज़ीरो से स्टार्ट किया उसने, एक सेकंड में उसने ट्रेवल किया टू मीटर, ठीक, एक सेकंड बीत गया, दो मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, लेकिन उससे नेक्स्ट वाले सेकंड में उसने ट्रेवल किए फोर मीटर्स, तो वो आ जाएगा सिक्स पर। उससे नेक्स्ट वाले सेकंड में उसने ट्रेवल किया वन मीटर, तो वो आ जाएगा सेवन पर, ठीक। अगर आप यहाँ पर देखें, बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है वो है दो मीटर का, दूसरे सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है फोर मीटर का, सिक्स पर पहुँच गया ना, टू से माइनस करके पता चल जाएगा, और थर्ड सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है वन मीटर का, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ग्राफ पर प्लॉट कीजिए और देखिए कैसा आता है। तो अगर मैं प्लॉट करूँ इसमें, तो ज़ीरो पर ज़ीरो, वो तो यही पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन, वन सेकेंड पर टू, तो वो आ जाएगा ये, टू सेकेंड पर सिक्स, ओ सिक्स तो बहुत ऊपर है, तो ये आ गया सिक्स टू सेकेंड पर, एंड देन थ्री सेकेंड पर सेवन, थ्री पर सेवन, ठीक। चलिए मिलाते हैं इसको, ज़ीरो से इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, ये आप देख रहे हैं, आपको एक कुछ अजीबोगरीब सा ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा, लाइन स्ट्रेट नहीं है इस बार। अगर आप इसको स्मूथली भी बनाएं तो एक कर्व नज़र आएगा आपको, है ना, ये कर्व्ड लाइन है, ठीक। तो याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसका अगर आप डी टी ग्राफ बनाते हैं, तो डी टी ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनता है, एक कर्व्ड लाइन, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वी टी ग्राफ कैसा बनता है ये भी बनाकर देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वी टी ग्राफ, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो रहेगी नहीं, बदलती रहेगी। हाँ, इसमें दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, या तो उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, मतलब सेम रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही हो, लाइक दिस, ज़ीरो टू फोर सिक्स, है ना, यहाँ पर टाइम पर भी बना लेते हैं टाइम, इसको रफ करके, वन ये टू सेकेंड हो गए, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ठीक है। अब वन बाय वन प्लॉट करते हैं, अगर ज़ीरो टाइम पर ज़ीरो वेलोसिटी है तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन हो जाएगा, एक सेकेंड बाद टू मीटर पर सेकेंड, दो सेकेंड बाद फोर मीटर पर सेकेंड, थ्री सेकेंड बाद सिक्स मीटर पर सेकेंड, सिक्स तो है नहीं, बना लो, चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, ठीक, सही है ना, और ऊपर, यहाँ
इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है बच्चों कि मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो लाइन भले ही ऊपर या नीचे जाएगी, वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की चेंज होगी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन अगर यही ग्राफ सेम मैनर में अगर कर्व बनकर आए तो कर्व्ड ग्राफ होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, ये कह दीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक याद रहेगा। ये थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आप किसी भी टाइप के मोशन को इस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको सबको याद रखिएगा। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।